हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 जो आपकी पुस्तक है हिंदी अंग्रेजी एवं संस्कृत, इसमें जो है हम खंडवा अंग्रेजी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको खंड आ हिंदी विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन पेज नंबर 1 से लेकर 50 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में जो आपका खंडवा है अंग्रेजी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 8 खंडवा अंग्रेजी विषय दिया गया है इस प्रकार से, पेज नंबर 51 से यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो को रोककर या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेकर सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिख लेना है। तो यहाँ पर पेज नंबर 53 पर इस प्रकार से E-701, E-702 इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर जो है शिक्षक गतिविधि एवं निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स प्राप्ति हेतु गतिविधि अभ्यास दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि स्टूडेंट या अर्थात छात्र दी गई पोयम, यहाँ पर आपको कुछ पोयम दी गई हैं, पोयम्स की लाइन दी गई हैं, पोयम को समूह में पढ़ें व उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दें इस प्रकार से। तो यहाँ पर इन पोएम्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नीचे जो है एक्टिविटी दिए गए हैं, यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट दिया गया है। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डज द बोट सेल, तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है कि बोट्स सेल ऑन द रिवर। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी उत्तर को आप अच्छे से लिख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू थिंक द पोयम इज अबाउट, इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई थिंक द पोयम इज अबाउट द रेनबो। पोयम किसके बारे में यहाँ पर जो ऊपर बताई गई है, यह पोयम किसके बारे में है, तो यहाँ पर रेनबो इंद्रधनुष के बारे में है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एंड टेल द रिमाइनिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम, समान तुक वाले शब्द अर्थात इस प्रकार से जैसे सीज डीज प्लीज ट्रीज, इस प्रकार से आपको उत्तर में शब्दों को लिखना है, तो आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है पेज नंबर 54 पर एक्टिविटी सेकंड दिया गया, एक्टिविटी दूसरा नंबर का दिया गया है, शिक्षक गतिविधि एवं निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद नीचे दिया गया है कि स्टूडेंट दी गई लाइंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे, इस प्रकार से आपको पोएम्स की लाइन दी गई है, इन लाइन्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नीचे यहाँ पर इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर हम इनके उत्तर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि विद्यार्थी उपरोक्त लाइंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा निम्नलिखित शब्दों के रिमाइंडिंग वर्ड्स अर्थात समान तुकांत वाले शब्द, समान लय वाले शब्द उपरोक्त लाइंस में से ढूंढकर उनके सामने लिखेंगे, जैसे माउथ, तो यहाँ पर साउथ आ जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर में आपको साउथ लिखना है। यहाँ पर गुड है तो यहाँ पर गुड आ जाएगा, यहाँ पर लाइन है तो यहाँ पर फाइन आ जाएगा, FINE। इसके बाद यहाँ पर लेदर है तो यहाँ पर गैदर आ जाएगा, इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है इस प्रकार से। इसके बाद फाइन तो यहाँ पर पायल आ जाएगा, वायल आ जाएगा, यहाँ पर ब्लेम दिया गया तो यहाँ पर फ्लेम आ जाएगा, तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिख लेना है। और इसी तरह जो आपके इस पुस्तक में खंड सा में जो है संस्कृत के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी जो है नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
इसके बाद जो है पेज नंबर 55 पर जो है एक्टिविटी थर्ड दिया गया है, एक्टिविटी तीसरा दिया गया है कि स्टूडेंट उपरोक्त लाइंस को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। डाउन, स्काई तथा नीचे दी गई लाइंस में सही उत्तर को टिक करेंगे। इस प्रकार से आपको टिक लगाना है, इस प्रकार से आप साउथ में टिक लगाएंगे, यहाँ पर इसमें बिग पाइल में यहाँ पर टिक लगाएंगे, यहाँ पर जो है इस प्रकार से इसमें टिक लगाएंगे कि द फ्लेम विल लीप अप। इसके बाद जनवरी इन लोहरी, इस प्रकार से आप इसमें टिक लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी पुस्तक में इस प्रकार से टिक लगा लेना है। इसके बाद आगे दिया गया है एक्टिविटी 4 दिया गया है, एक्टिविटी नंबर 4 दिया गया है। इस प्रकार से नीचे यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्टूडेंट निम्नलिखित पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्धारित स्थान पर लिखेंगे। इस प्रकार से इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नीचे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु वाज भोला, भोला कौन था। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे कि भोला वाज अ हॉर्स ट्रेनर। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर यहाँ पर 56 पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि व्हाट डिड द नवाब गिव भोला व्हेन ही रीट राइड। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको इस प्रकार से उत्तर में लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि व्हाई डिड यहाँ पर भोला एंड शांति डिसाइड टू सेल द हॉर्स। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद आगे दिया गया है एक्टिविटी 5, एक्टिविटी नंबर 5 दिया गया है। इस प्रकार से शिक्षक गतिविधि एवं निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में दिया गया कि शिक्षक दी गई टेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ने हेतु छात्रों को निर्देशित करेंगे एवं आवश्यक सहयोग तथा दिशा निर्देश प्रदान करेंगे जिससे विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर लिख पाने में सक्षम हो। इस प्रकार से यहाँ पर तालिका दी गई है, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया, नेम दिया गया है, यहाँ पर ज्वाइंट स्कूल इन द ईयर दिया गया है, गेम का नाम दिया गया था, खेल का नाम दिया है, कलर का नाम अर्थात रंग का नाम दिया गया है और फ्रूट्स मतलब फलों का नाम दिया गया है। इस प्रकार से इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस तालिका को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ऊपर दी गई टेबल में दी गई जानकारी के आधार पर लिखिए। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है तो यहाँ पर आपको उत्तर में इस प्रकार से लिखना है। तो वीडियो से लंबा हो सकता है इसलिए आप जल्दी से यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर को नोट करते जाइए। इस प्रकार से पहले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 57 पर इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है इस प्रकार से कि व्हाट गेम डज श्यामा लाइक टू प्ले। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको उत्तर में इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से पूछा गया है कि व्हाट कलर डज आसमा लाइक, तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर आंसर भी दिया गया है तो आप इनके आंसर को अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 फ्रूट्स गिवन इन द टेबल। इस प्रकार से आपको लिखना है, 3 यहाँ पर आपको फलों के नाम लिखना है, टेबल में दिए गए जो आपको दी गई है टेबल उसमें से आपको 3 फलों के नाम लिखना है, जैसे बनाना हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा, ग्रेप्स हो जाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है इस प्रकार से कि प्रश्न 2 के उत्तर की वाक्य रचना के आधार पर अन्य नामों से भी उनके पसंद के गेम्स, कलर और फ्रूट्स का उल्लेख करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी एक एक वाक्य जो है कक्षा में बोलकर सुनाए एवं शिक्षक आवश्यक होने पर सहायता करें। इस प्रकार से इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 58, यहाँ पर ई 705 दिया गया है, एक्टिविटी 1 दी गई है। इस प्रकार से तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि विद्यार्थी दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्धारित स्थान पर लिखें। इस प्रकार से एक पैसेज दी गई है, इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है।
यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहले का आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, भोपाल लिखना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, इस प्रकार से पूछा गया है कि व्हाई डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल बाय एसी क्लास। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड। इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 59 पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 कि हु डिड नॉट हैव अ वैलिड टिकट। इस प्रकार से तो इसका ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा, विनोद। यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन होगा, इस प्रकार से अनाउंसमेंट होगा। तो आपको उत्तर में इस प्रकार से ए नंबर के ऑप्शन में जो दिया गया है अनाउंसमेंट, इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। आपको उत्तर में क्या लिखना है, टिकट लिखना है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं बी में दिया गया है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, टिकट लिखना है। इसके बाद आगे का क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है इस प्रकार से। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर का ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर आपको उत्तर में प्लेटफॉर्म लिखना है इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में इस प्रकार से निम्नलिखित सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उन्हें उचित क्रम में अरेंज करें। इस प्रकार से आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को आपको सही क्रम में लिखना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कुछ खाली जगह दी जाएगी आपको बुक में, तो इन वाक्यों को आपको सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आप बी वाले वाक्य को लिखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी वाला वाक्य दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद आपको डी नंबर का जो वाक्य दिया गया है इसको आपको लिखना है यहाँ पर। इसके बाद आपको लिखना है ई नंबर का वाक्य दिया गया है इस प्रकार से, तो ई नंबर के सेंटेंस को आपको लिखना है। इसके बाद जो एफ नंबर का दिया गया है वाक्य इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एफ नंबर का वाक्य लिखेंगे। इसके बाद आप ए नंबर का वाक्य लिखेंगे, ए नंबर के वाक्य में इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद आप सी नंबर का वाक्य लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो आपको ऊपर सेंटेंस दिए गए इनको आपको सही क्रम में जमा कर इस प्रकार से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोक कर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 60 पर इस प्रकार से जो E708 इस प्रकार से दिया गया है, एक्टिविटी फर्स्ट दी गई है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्टूडेंट दिए गए वर्ड्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन्हें सही कॉलम में लिखें। कुछ शब्दों को उदाहरण के लिए सही कॉलम में लिखा गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर तालिका दी गई है इस प्रकार से, और इस तालिका को आपको इस प्रकार से भर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप वीडियो को रोककर इस तालिका को आप अच्छे से भर सकते हैं। यहाँ पर आपको अंकल लिखना है, ही और बॉयज़ के नाम लिखना है। यहाँ पर फादर आ जाएगा, बॉय आ जाएगा, और जो सी या गर्ल होती है इसमें क्वीन पहले से लिखा है, तो यहाँ पर आपको मदर लिखना है। यहाँ पर गर्ल लिखना है, यहाँ पर आंट लिखना है, यहाँ पर लॉयनलेस लिखना है। इसके बाद यहाँ पर ही सी बॉय या गर्ल इस प्रकार से पेरेंट्स लिखना है, कज़न लिखना है, यहाँ पर गोस्ट लिखना है, टीचर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जो है ट्री या इट बुक लिखना है, ट्री लिखना है, बॉक्स लिखना है और कप लिखना है। इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस तालिका को आप अच्छे से भर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पेज नंबर 60 पर आपको तालिका दी गई, इस तालिका को आपको अच्छे से भर लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 61 पर एक्टिविटी सेकंड दी गई है, क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यार्थी चार चार के समूह में कार्य करते हुए नीचे दिए बॉक्सेस में दी गई सामग्री को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से बॉक्स दिए गए हैं, इनमें कुछ सामग्रियों के नाम दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसके बाद आगे दिया गया कि अब हर ग्रुप में एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों से निम्नांकित प्रश्न करें। सहपाठी एक एक करके जो है उपरोक्त बॉक्सेस में दिए गए स्विंग्स, राइट्स, स्विच तथा इस प्रकार से डाइसेस के नाम का उपयोग करते हुए निम्नांकित फॉर्मेट में उत्तर दें। प्रश्नकर्ता विद्यार्थी इस उत्तर के आधार पर तालिका पूर्ण करें। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट्स योर नेम, यहाँ पर जो भी आपका नाम है यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर आंसर में दिया गया है।
कि माय नेम इज अमित, आपका जो भी नाम है तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि विच स्वीट डू यू लाइक मोस्ट, इनमें से आप किस स्वीट को पसंद करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जलेबी दी गई है, बर्फ़ी दी गई है, कुल्फ़ी दी गई है। तो जो भी स्वीट्स आप पसंद करते हैं यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने बर्फ़ी लिखा है, जो भी आपको इन स्वीट्स में से पसंद हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे आप, हो सकता है कि आपको जलेबी पसंद हो या बर्फ़ी पसंद हो या फिर कुल्फ़ी पसंद हो, तो तीनों में से आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बर्फ़ी लिखा है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि विच स्विंग डू यू प्रीफर, इस प्रकार से आप यहाँ पर जो भी आपको पसंद हो इनमें से, जैसे यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार से दिया गया है कि व्हाट राइड डिड यू टेक इन द फेयर, इस प्रकार से जिसकी सवारी आप पसंद करते हैं यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने हॉर्स राइड लिखा है, आप चाहें तो इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हॉर्स राइड दिया गया है, ट्रेन राइड दिया गया है, कार राइड दिया गया है, इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर हमने हॉर्स राइड लिखा है तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है आगे यहाँ पर नीचे एक तालिका दी गई है इस प्रकार से। यहाँ पर आपको अपने दोस्तों के नाम लिखना है, कोई भी आपको अपने 4 दोस्तों के नाम लिखना है। नेम ऑफ द फ्रेंड्स, जो भी आपके दोस्त हैं, जैसे यहाँ पर हमने राजा लिखा, मोहित लिखा, रोहन लिखा, सोहन लिखा, जो भी आपके दोस्त हैं तो आप अपने दोस्तों का नाम लिखेंगे। यहाँ पर स्वीट में उनको क्या पसंद है इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद इस प्रकार से स्विंग्स में क्या पसंद है, राइड में क्या पसंद है, इस प्रकार से आप इस तालिका को आसानी से आप भर सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 62 पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 1 दिया गया है कि स्टूडेंट सप्ताह के दिनों के क्रम को पहचानते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है उदाहरण के अनुसार दें, इस प्रकार से यहाँ पर इस तालिका में जो है सप्ताह के दिनों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया कि हार्ड डे कम्स बिफोर बैडनेस डे, यहाँ पर बैडनेस डे के पहले कौन सा दिन आता है, तो यहाँ पर इसके पहले जो है ट्यूसडे आता है। तो आंसर में इस प्रकार से लिखा है कि ट्यूसडे कम्स बिफोर बैडनेस डे। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हार्ड डे कम्स आफ्टर मंडे, मंडे के बाद कौन सा दिन आता है, तो आप आंसर में लिखेंगे ट्यूसडे, ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद कौन सा दिन आता है, तो थर्सडे आता है, इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है, थर्सडे कम्स आफ्टर वेडनेसडे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डे कम्स बिफोर फ्राइडे, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है कि सैटरडे कम बिफोर फ्राइडे, इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इस प्रकार से आंसर होगा कि संडे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड मंडे, इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 63 एक्टिविटी 2, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्टूडेंट दिनचर्या पर आधारित निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन्हें सही क्रम में जमाएं, इस प्रकार से आपको 6 वाक्य दिए गए हैं, इन 6 वाक्यों को आपको नीचे सही क्रम में लिखना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर सबसे पहले जो तीसरे नंबर का वाक्य है इस प्रकार से आप लिखेंगे, इसके बाद जो पाँचवें नंबर का वाक्य है इस प्रकार से आप लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, इसके बाद दूसरे नंबर का वाक्य आ जाएगा यहाँ पर, इसके बाद जो छठवें नंबर का वाक्य है यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, इसके बाद जो है पहले नंबर का वाक्य दिया गया है इस प्रकार से आप लिखेंगे इसमें से देखकर, इसके बाद जो है चौथे नंबर का वाक्य। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है नीचे एक्टिविटी नंबर 3 दिया गया है इस प्रकार से कि स्टूडेंट निम्नलिखित पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यहाँ पर आपको एक पैसेज दी गई है, इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्धारित स्थान पर दें। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो यहाँ पर हम उनके आंसर देखने वाले हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 64 पर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से दिया गया है कि स्टूडेंट दोनों मर्चेंट से ओल्ड मैन द्वारा पूछे गए प्रश्नों को जो है सही क्रम में जमाइए, इस प्रकार से
यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को जो है आपको सही क्रम में इस प्रकार से जमाना है। तो सबसे पहले जो डी नंबर का वाक्य है, इस प्रकार से आप लिखेंगे कि इज इट एन ओल्ड एनिमल, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद आप बी नंबर का वाक्य लिखेंगे कि इज इट लैम इन वन लेग, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद आप ए नंबर का वाक्य लिखेंगे और इसके बाद आप जो है सी नंबर का वाक्य लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है, सही क्रम में जमा कर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद जो है नीचे जो है क्वेश्चन नंबर दो में इस प्रकार से कि निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में जमाते हुए सार्थक वाक्य बनाएं, इस प्रकार से आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको उचित अर्थात सही क्रम में जमा कर इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा, आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा, आप इस प्रकार से वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन इस प्रकार से शब्द दिए गए हैं, तो इस प्रकार से तीसरे नंबर के आंसर में आपको इस प्रकार से लिखना है। तो आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 65 पर इस प्रकार से ई 707 से ई 711 इस प्रकार से दिया गया है। एक्टिविटी नंबर एक दिया गया है इस प्रकार से कि स्टूडेंट जो है कॉलम ए, इस प्रकार से कॉलम ए दिया गया है। दिए गए जो है होर्डिंग्स इस प्रकार से के संकेतों को समझकर कॉलम बी में, यहाँ पर कॉलम बी दिया गया है, मैं दिए गए उनके अर्थ के साथ सही जोड़ियाँ बनाइए। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम ए दिया गया है, कॉलम बी दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको सही जोड़ियाँ मिला लेना है। यहाँ पर इससे जो है आपको इससे मिलाना है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कृपया जो है दस्ताने जरूर पहने, इसके बाद जो दिया गया है इससे जो है आपको इससे मिलाना है, कृपया हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके बाद यहाँ पर जो है तीसरे नंबर में इसको आपको इससे मिलाना है, अपने बॉडी टेम्परेचर की जांच करवाएं, इस प्रकार से। इसके बाद जो लास्ट में दिया गया है यहाँ पर, कृपया मास्क जरूर पहने, प्लीज पुट ऑन अ मास्क, इस प्रकार से आपको सही जोड़ियों को मिला लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी सही जोड़ियों को आप अच्छे से मिला सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 66 पर एक्टिविटी नंबर दो दिया गया है कि स्टूडेंट निम्नांकित होर्डिंग्स पोस्टर, होर्डिंग्स अर्थात इसी को हम पोस्टर कहते हैं, को देखकर एवं ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्धारित स्थान पर लिखें। तो इस पोस्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इस प्रकार से अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। इस प्रकार से इसके ऊपर एक जो है पोस्टर दिया गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर एक है कि टाइटल अर्थात शीर्षक ऑफ द होर्डिंग्स इज, इसका जो शीर्षक है इसका क्या है कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी नंबर के विकल्प में दिया गया है, इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 67 पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि टिक, यहाँ पर आपको टिक लगाना है, ऑन वन और मोर देन वन यहाँ पर प्रोग्राम्स वाई आर एस के बीच आर गिवन वैल्यू, इस प्रकार से जो आर एस के प्रोग्राम हैं उन पर आपको इस प्रकार से टिक लगाना है। तो चारों जो यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं इनमें इस प्रकार से आपको टिक लगा देना है, चारों बॉक्स के अंदर इस प्रकार से आपको टिक लगा देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, यहाँ पर आपको मोबाइल लिखना है, यहाँ पर आपको टीवी भर देना है। इसके बाद जो बी नंबर में दिया गया है यहाँ पर आपको संडे लिखना है और यहाँ पर आपको फिलिप बुक लिखना है, इस प्रकार से ऑप्शन में भी दिया गया है। तो आप वीडियो को रोक कर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लीज टिक, इस प्रकार से आपको टिक लगाने हैं, आइदर ऑन यस और नो, यस और नो, इस प्रकार से आपको टिक लगाना है। तो पहला जो ए नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है यस हो जाएगा, बी नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है भी यस हो जाएगा, सी नंबर का भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, और डी नंबर का जो सेंटेंस अर्थात वाक्य दिया गया यह भी यस हो जाएगा। तो चारों क्या हो जाएंगे, यस और यस हो जाएंगे, इस प्रकार से आपको टिक लगा देना है।
इसके बाद जो है पेज नंबर 68, पेज नंबर 68 पर जो है एक्टिविटी नंबर 3 दिया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि लुक एट द पिक्चर वैल्यू, यहाँ पर इस पिक्चर को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से देखना है और नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षक छात्रों की समझ जानने हेतु निम्न प्रश्न पूछ सकते हैं व छात्रों को उत्तर देने अर्थात लिखने में आवश्यक सहयोग करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर एक है इस प्रकार से कि व्हाट इज द पोस्टर अबाउट, जो पोस्टर दिया गया है पोस्टर किसके बारे में है, तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे, तो आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू का इस प्रकार से आंसर होगा, तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर इस प्रकार से होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चार है, क्वेश्चन नंबर चार का आंसर इस प्रकार से होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर पाँच है, तो क्वेश्चन नंबर पाँच का आंसर इस प्रकार से होगा। तो क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर चार और क्वेश्चन नंबर पाँच, पांचों क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर हो जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद जो है पेज नंबर 69 पर यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 4 दिया गया है कि रीड द इनविटेशन गिवन वैल्यू, इस प्रकार से एक इनविटेशन कार्ड दिया गया, बर्थडे वाला इनविटेशन, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनविटेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से आप आंसर में लिखेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दो का आंसर इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन पूछा गया इस प्रकार से, तो आपको आंसर में इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर चार पूछा गया है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर पाँच पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको इन पांचों प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है, तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा और इसके बाद जो है पाँचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 70 पर यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 5 दिया गया है, एक्टिविटी नंबर 5 इस प्रकार से दिया गया है, फाइंड द 5 डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू पिक्चर्स एंड राइट देम वैल्यू, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको कोई भी 5 वाक्य बनाना है इस प्रकार से, तो इन पांचों वाक्यों को आपको अच्छे से लिख लेना है आपको अपनी पुस्तक में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, तो पहले वाक्य में इस प्रकार से आप लिखेंगे, दूसरे वाक्य में आप इस प्रकार से लिखेंगे, इसके बाद तीसरा वाक्य होगा, चौथा वाक्य हो जाएगा और पांचवा वाक्य होगा। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी वाक्यों को आप अच्छे से अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर E712 इस प्रकार से पेज नंबर यहाँ पर 71 पर दिया गया है, 71 पर, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से एक पैसेज दी गई है यहाँ पर इस प्रकार से, और इसके बाद यहाँ पर एक कैमल यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 72 पर इस प्रकार से एक्टिविटी नंबर 1 दिया गया है कि यहाँ पर नोट्स बनाने हेतु निर्धारित फॉर्मेट को बनाएं व पढ़ें, तो इस फॉर्मेट को आपको सेमी बना लेना है इस प्रकार से, जो आपको एक बॉक्स दिया गया है इसमें आपको एक फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट यहाँ पर ऊपर दिया गया है तो उसी को देखकर आप बना सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 73 पर इस प्रकार से एक्टिविटी नंबर 2 दिया गया है कि दिए गए पैसेज को आवश्यकता अनुसार 2 से 3 बार पढ़ें तथा निर्धारित फॉर्मेट में नोट्स बनाएं, इस प्रकार से आपको इस फॉर्मेट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नीचे यहाँ पर इस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तालिका दी गई है, तो इस तालिका में आपको इस प्रकार से जो है फॉर्मेट बनाना है, तो आप वीडियो को रोककर इस फॉर्मेट को आप अच्छे से लिख सकते हैं।
इसके बाद जो है पेज नंबर 74 पर इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ई 713 इस प्रकार से यहाँ पर एक तालिका दी गई है इस प्रकार से कि अपरिचित या पर अज्ञात शब्दों के अर्थ संदर्भ में पढ़कर निकालते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपसे कुछ खाली स्थान पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से आपको इनको भर लेना है। इस ब्रैकेट में आपको इस प्रकार से दिए गए हैं, तो यहाँ पर बॉस्केट आ जाएगा, टू मार्केट आ जाएगा, मोर आ जाएगा, मैनी मोर चौथे खाली स्थान में होगा, पांचवें खाली स्थान में आपको लुकिंग भरना है, छठवें खाली स्थान में आपको व्हाट हैपेंड भरना है, सातवें खाली स्थान में आपको स्टम लैड भरना है, इसके बाद आठवें खाली स्थान में आपको बेयर थ्रोन आउट भरना है, इसके बाद नौवें खाली स्थान में आपको ब्रोकन भरना है। तो इस प्रकार से आप इन खाली स्थान में इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद एक नीचे तालिका दी गई है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस तालिका को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 75 पर 75 पर जो है एक्टिविटी नंबर एक दिया गया है कि बॉक्स में दिए गए शब्दों को पढ़ें। इस प्रकार से बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है तथा प्रत्येक सेंटेंस आपको इस प्रकार से वाक्य दिए गए हैं, सेंटेंस पढ़कर तथा उचित शब्द का अनुमान लगाकर खाली स्थान भरें। इस प्रकार से आपको खाली स्थान भरना है। यहाँ पर आपको सीज लिखना है, प्रेटी लिखना है, रेनबो लिखना है, चौथे खाली स्थान में आपको न्यू लिखना है, पांचवें खाली स्थान में आपको इंटेलिजेंट लिखना है, छठवें खाली स्थान में आपको स्टोरी लिखना है, इसके बाद सातवें खाली स्थान में आपको ब्लू लिखना है, आठवें खाली स्थान में आपको फ्रेंड लिखना है। तो इस प्रकार से आप इन खाली स्थान को आप अच्छे से भर सकते हैं। इसके बाद जो है नीचे जो है एक्टिविटी नंबर 2 दिया गया, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें व खाली स्थान में संदर्भ अनुसार शब्दों को लिखें। इस प्रकार से एक टेबल दी गई है, इस प्रकार से नीचे खाली स्थान पूछे गए हैं, तो इनको इस प्रकार से आपको भर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं। पहले खाली स्थान में इस प्रकार से हॉर्स ट्रेनर भरना है, यहाँ पर आपको नवाब भरना है, यहाँ पर आपको शांति भरना है, यहाँ पर मनी भरना है, यहाँ पर आपको हॉर्स लिखना है, यहाँ पर आपको फोडल लिखना है, यहाँ पर आपको एक्सचेंज लिखना है। इस प्रकार से आप खाली स्थान को भर सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 76 पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्टिविटी नंबर 3, दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़ें व संदर्भ अनुसार बॉक्स में दिए गए शब्दों से पैसेज के खाली स्थान भरें। इस प्रकार से पैसेज में कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनको आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर कुछ खाली स्थान पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से खाली स्थान में आपको भर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं, तो सभी खाली स्थान को आप अपनी पुस्तक में अच्छे से भर लें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। यहाँ पर जो है महारानी लक्ष्मीबाई दिया गया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपको बॉक्स में भी दिया गया है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर वोमेन दिया गया है, हॉर्स राइडिंग दिया गया है, और यहाँ पर जो है मटेरियल आर्ट्स दिया गया है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन खाली स्थान को आप अच्छे से भर सकते हैं। इसके बाद जो है नीचे जो है एक्टिविटी नंबर 4 दिया गया, इसमें भी खाली स्थान पूछे गए हैं कि दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़ें तथा संदर्भ अनुसार शब्द या शब्दकोश में खोजकर शिक्षक की सहायता लेकर साथी से चर्चा कर खाली स्थान भरकर पैसेज को कंप्लीट करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ खाली स्थान पूछे गए हैं, इस प्रकार से आपको भर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं, तो आप वीडियो को रोककर इन सभी खाली स्थान को आप अच्छे से अपनी पुस्तक में भर सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 77 पर 77 पर यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 5 दिया गया है, तो क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछा गया है कि दिए गए वाक्यों के साथ दो दो वर्ड्स लिखे हैं, खाली स्थान को संदर्भ अनुसार भरें। इस प्रकार से आपको भरना है। पहले खाली स्थान में इस प्रकार से इजी आया आंसर, इस प्रकार से यहाँ पर आपको डिफिकल्ट लिखना है। दूसरे खाली स्थान में स्लीप और बेकअप लिखना है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है, यहाँ पर आपको क्वाइट लिखना है। इस प्रकार से आपको वीडियो को रोककर इन खाली स्थान को आपको अच्छे से भर लेना है। इस प्रकार से पांचवें खाली स्थान में एक्टिव आएगा, इस प्रकार से यहाँ पर लेजी आएगा, छठवें खाली स्थान में बिग यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको स्मॉल लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन खाली स्थान को आप अच्छे से भर सकते हैं। इसके बाद सातवें खाली स्थान में आपको फास्ट भरना है, यहाँ पर आपको स्लो भरना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से भर सकते हैं।
इसके बाद नीचे जो है एक्टिविटी 6 दी गई है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें तथा कोष्टक में खाली स्थान के पास के वर्ड्स को संदर्भ अनुसार परिवर्तन कर खाली स्थान भरें। तो इस प्रकार से खाली स्थान दिए गए हैं, तो आप वीडियो को रोककर इन सभी खाली स्थानों को आप अच्छे से भर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 78, पेज नंबर 78 इस प्रकार से दिया गया है, लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन। इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक पैसेज दी गई है, इस प्रकार से लेसन टाइप का दिया गया, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पढ़ने और लिखने के दौरान शब्दों के अर्थ और स्पेलिंग ढूंढने के लिए शब्दकोश और विश्वकोश की सहायता लेते हैं। तो इस प्रकार से नीचे जो है इनके अर्थ पूछे गए हैं, इस प्रकार से ऑफिशियल यहाँ पर अधिकारी होता है, नोटिस सूचना होता है। इस प्रकार से आपको वीडियो को रोक कर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 79, 79 पेज पर एक्टिविटी नंबर 1 दिया गया है कि शब्दकोश की सहायता से दिए गए शब्दों को पढ़ें व ऑड वर्ड्स पर गोला लगाएं। इस प्रकार से इनमें से जो है एक ऑड वर्ड है, अर्थात एक अलग शब्द है, उस पर आपको गोला लगाना है। तो यहाँ पर पहले में जो है बॉक्स पर आपको गोला लगाना है, यहाँ पर इसमें जो है पैसेंजर पर आपको इस प्रकार से पेन से गोला लगाना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है यहाँ पर गार्ड पर आपको गोला लगाना है, यहाँ पर आपको पीपल पर यहाँ पर गोला लगाना है, यहाँ पर पाँचवें नंबर पर आपको हाउस पर गोला लगाना है, यहाँ पर जो है छठवें नंबर पर आपको रेलवे स्टेशन पर गोला लगाना है इस प्रकार से, और जो सातवें नंबर पर शब्द है न्यूज़पेपर, इस प्रकार से इस पर गोला लगाना है, और यहाँ पर जो है आठवें नंबर पर स्लीप पर आपको गोला लगाना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से लगा सकते हैं इन गोले को। इसके बाद नीचे जो है एक्टिविटी 2 दी गई है, एक्टिविटी नंबर 2 दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से खोजे व शब्दों को उनके अर्थों से मिलान करें, आपको सही जोड़ियां बनाना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप सही जोड़ियां मिला सकते हैं, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नीचे जो है एक्टिविटी नंबर 3 दिया गया है, इस प्रकार से शब्दकोश की सहायता से इन शब्दों के अर्थ लिखना है, दिए गए स्थान पर आपको लिखना है। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर इनके आपको अर्थ लिखना है, तो इस प्रकार से आप इनके अर्थ लिख सकते हैं। यहाँ पर जो लास्ट में दिया गया सोर का अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है, यहाँ पर खट्टा लिखा है, तो इस प्रकार से धोखा देना, स्वादिष्ट, नाराज, सस्ता, लगाना, अजनबी, ठग, और एक्सचेंज जो होता है अदला बदली करना होता है। जो लास्ट में दिया गया है खट्टा दिया गया है, इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इनके जो आपको शब्द दिए गए हैं इनके मीनिंग के अर्थ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 80 पर जो है एक्टिविटी नंबर 4 दिया गया है कि यहाँ पर जंबल्ड लेटर्स को शब्दकोश की सहायता से रीअरेंज करें तथा सार्थक शब्द बनाएं। यहाँ पर शब्द जो हैं आगे पीछे करके दिए गए हैं, जंबल्ड शब्द दिए गए हैं, इस प्रकार से आपको सही क्रम में यहाँ पर जमा कर इस प्रकार से आपको शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पर आप सही से जमाएंगे तो यहाँ पर हिल्स हो जाएगा, ट्विंग्स हो जाएगा, पाइल हो जाएगा, वुड हो जाएगा, सूट हो जाएगा, यहाँ पर लाइव हो जाएगा, और यहाँ पर वर्ड्स हो जाएगा, एरो हो जाएगा, एलो हो जाएगा, और फॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे जो है एक्टिविटी नंबर 5 दिया गया है, इस प्रकार से कि नीचे दिए गए शब्दों की स्पेलिंग गलत है, शब्दकोश की सहायता से सही ऑर्डर में लेटर्स जमा कर सही स्पेलिंग लिखें। यहाँ पर इस प्रकार से स्पेलिंग जो है गलत है, तो आप सही ऑर्डर में लेकर इनको सही क्रम में जमा कर इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है तो आप राइट लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है मार्च आ जाएगा, यहाँ पर फार्म आ जाएगा, यहाँ पर जेंटल आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इन शब्दों को आपको इस प्रकार से लिख लेना है, तो आप वीडियो को रोक कर इन सभी शब्दों को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर पेज नंबर 81 पर इस प्रकार से E716 इस प्रकार से दिया गया है, लेसन 1 द रेनबो। इस प्रकार से यहाँ पर तालिका में कुछ शब्द दिए गए हैं, इस प्रकार से कुछ तालिका में यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है।
तो नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे कुछ लाइंस दी गई हैं पोएम्स की, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 82 पर जो है एक्टिविटी नंबर 1 दिया गया है कि दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। तथा एडजेक्टिव पर आपको सर्कल अर्थात गोला इस प्रकार से लगाना है, तो यहाँ पर थिन पे आप गोला लगाएंगे, यहाँ पर जो है आप स्मार्टर पर गोला लगाएंगे, यहाँ पर आप ब्यूटीफुल पर गोला लगाएंगे, यहाँ पर इंटेलिजेंट पर गोला लगाएंगे, यहाँ पर आप बिगर पर गोला लगाएंगे पाँचवें वाक्य में, छठवें वाक्य में जो है आप बाइजेस्ट पर गोला लगाएंगे, सातवें वाक्य में आप ब्रेव पर गोला लगाएंगे, वो जो आठवां वाक्य है इस पर आप टालर पर गोला लगाएंगे, नौवां वाक्य पर आप जो है लॉन्गेस्ट पर गोला लगाएंगे, दसवें वाक्य में जो है आप इंटेलिजेंट पर इस प्रकार से आप गोला लगाएंगे। तो इस प्रकार से इन वाक्यों पर जो है इस प्रकार से एडजेक्टिव जो शब्द हैं इन पर आपको इस प्रकार से गोला लगा लेना है, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद नीचे जो है इस प्रकार से एक्टिविटी नंबर 2 दिया गया है कि दिए गए सर्कल, इस प्रकार से आपको एक वृत्त टाइप का एक सर्कल दिया गया है, इसमें से जो है एडजेक्टिव्स को ढूंढें तथा दिए गए स्थान पर लिखें। इसमें जो है कुछ शब्द दिए गए हैं जो एडजेक्टिव शब्द हैं, इन शब्दों को खोजकर आपको इस प्रकार से नीचे लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखे गए हैं तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ओल्डेस्ट लिखा है, स्ट्रॉन्ग लिखा है, स्मॉलर लिखा है, यहाँ पर थिनर लिखा है, न्यू लिखा है, वाइज लिखा है, हैप्पी लिखा है और प्लेजेंट लिखा है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 83, पेज नंबर 83, एक्टिविटी नंबर 3 दिया गया है, दिए गए एडजेक्टिव्स के लिए डिग्रीज ऑफ कॉम्प्रेशन शब्द को शिक्षक साथी की सहायता से लिखिए, इस प्रकार से आपको डिग्री दी गई है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर दिए गए हैं, तो आप वीडियो को रोककर इन सभी को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है नीचे एक्टिविटी नंबर 4 दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए गए एडजेक्टिव्स की सहायता से वाक्य बनाना है, आपको कुछ एडजेक्टिव शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर आपको जैसे स्मार्टर दिया गया है, सिंपल दिया गया है, फास्टेस्ट दिया गया है, तो इस प्रकार से आपको वाक्यों को बनाना है इस प्रकार से, तो आप वीडियो को रोककर इन वाक्यों को आप अच्छे से बना सकते हैं। पहला वाक्य इस प्रकार से होगा कि राम इज स्मार्टर देन सीता, सिंपल का जो आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो सीता इज अ सिंपल गर्ल। इसके बाद फास्टेस्ट शब्द का आपको वाक्य प्रयोग करना है, तो यहाँ पर दिस ट्रेन इज वेरी फास्टेस्ट। इसके बाद डीपर का आपको वाक्य प्रयोग करना है, तो द वॉइस इज डीपर देन दैट वॉइस। इसके बाद फाइन का आपको वाक्य प्रयोग करना है, तो आई एम फाइन, इस प्रकार से आपको वाक्यों को लिखना है। इसके बाद जो यहाँ पर छठवें नंबर में जो वाक्य दिया गया है, शब्द दिया गया है क्लेवर, तो इस प्रकार से राम इज वेरी क्लेवर। इसके बाद सातवें नंबर पर आपको इस प्रकार से लिखना है कि दिस वे इज ईजियर देन दैट रोड, इस प्रकार से आपको वाक्यों को लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 84 पर इस प्रकार से समय और काल दिया गया है, प्रेजेंट सिंपल बेस फॉर्म दिया गया, पास्ट सिंपल इस प्रकार से दिया गया है, तो इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 85, पेज नंबर 85 पर इस प्रकार से एक्टिविटी नंबर 1 दिया गया है, दिए गए वाक्यों के खाली स्थान को वर्ब के सही फॉर्म से भरें। जो आपकी वर्ब दी गई हैं वर्ब के आपको सही फॉर्म में लिखना है, जैसे यहाँ पर बिंदी आ गया है तो इसका आपको सेकंड फॉर्म बॉन लिखना है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर लिखना है, तो इस प्रकार से आप खालिस्तान को भर सकते हैं। 5 खालिस्तान पूछे गए हैं, पहले खालिस्तान का आंसर, दूसरे खालिस्तान का, तीसरे, चौथे और पाँचवें खालिस्तान का, तो इस प्रकार से आप इन खालिस्तान को आप अच्छे से भर सकते हैं, इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं। इसके बाद जो है नीचे दिया गया है एक्टिविटी नंबर 2, नीचे दी गई वर्ब्स की सहायता से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाइए। से दिया गया है आपको एक वर्ब दी जाएगी, वर्ब से आपको जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है इस प्रकार से, तो ही वाज सेइंग मी, इस प्रकार से आप वाक्य लिखेंगे, वॉक का यहाँ पर, आई वॉज वॉकिंग, रन का सीता वाज रनिंग ऑन द रोड, चौथा वाक्य होगा कि राम वाज राइडिंग अ हॉर्स, इस प्रकार से आपको वाक्यों को लिख लेना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 86, पेज नंबर 86, इस प्रकार से पांचवा वाक्य यहाँ पर जो शब्द दिया गया, कम दिया गया, तो इस प्रकार से आप वाक्य बनाएंगे,
ही वाज कमिंग, इस बात ब्रिंग दिया गया है तो आप लिखेंगे दे वेयर ब्रिंगिंग मैंगोस। इसके बाद सातवां दिया गया फाइट दिया गया, तो आप आंसर में लिखेंगे कि सीता वाज फाइटिंग ऑन द रोड। इसके बाद गो एक क्रिया आपको दी गई है, तो इसका सेंटेंस होगा कि राम वाज गोइंग टू गोवा। इसके बाद नौवां वाक्य दिया गया, जो शब्द दिया गया है मीट, तो रवि वाज मीटिंग टू यहाँ पर रिस्की। इस प्रकार से आप आंसर में लिखेंगे, तो इन वाक्यों को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है नीचे एक्टिविटी नंबर 3 दिया गया है इस प्रकार से कि वर्ब्स के सही फॉर्म से खाली स्थानों की पूर्ति कर पैसेज को कंप्लीट करें तथा कंप्लीट पैसेज को पुनः लिखें। इस प्रकार से खाली स्थान दिए गए हैं, तो इस प्रकार से आप भर लेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों के यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से लिखें, तो आप वीडियो को रोककर इन प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 87। इस प्रकार से यहाँ पर जो है एडवर्ब क्रिया विशेषण, यहाँ पर जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो है शिक्षक दी गई एडवर्ब को छात्रों के सामने सही उच्चारण से बोलें इस प्रकार से। तो यहाँ पर नीचे जो है एक्टिविटी नंबर 1 दी गई है कि दिए गए शब्दों को पढ़ें तथा ly ऐड करके एडवर्ब बनाएं। जो आपको शब्द दिए गए हैं इन शब्दों में आपको जो ly शब्द है इस शब्द को आपको ऐड करके एडवर्ब बनाना है। तो ब्रेव में आप ly जोड़ेंगे तो ब्रेवली हो जाएगा, क्लोज में आप ly जोड़ेंगे तो क्लोजली हो जाएगा। तो इस प्रकार से ly जोड़कर आपको इन शब्दों को इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ तक क्लियर में आप ly जोड़ेंगे तो क्लियरली हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 88, पेज नंबर 88। यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 2 दिया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक या कोई अन्य पुस्तक के लेसन को पढ़ें, जो आपको पाठ दिया जाएगा को पढ़ें तथा एडवर्ब को खोजकर लिखें। कोई भी आप पुस्तक है आपकी या अन्य पुस्तक है, उस लेसन को आप पढ़ें, उसमें से आप एडवर्ब खोजकर लिखें। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर हमने लिखा है लाउडली, क्विकली, बैडली, क्लियरली, फास्टली और ब्यूटीफुली, इस प्रकार से आपको लिखना है, तो आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे जो है एक्टिविटी नंबर 3 दिया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे दी गई एडवर्ब का वाक्यों में प्रयोग करें तथा वाक्यों को निर्धारित स्थान पर लिखें। जैसे यहाँ पर नियरली लिखा है तो इस प्रकार से आप वाक्य लिखेंगे, हैप्पीली का आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, ब्रेवली का इस प्रकार से, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा वाक्य होगा, चौथा वाक्य इस प्रकार से होगा। इसके बाद पांचवा वाक्य आपको इस प्रकार से लिखना है, इसके बाद छठवां वाक्य होगा, सातवां वाक्य इस प्रकार से होगा, इसके बाद आठवां वाक्य होगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन सभी वाक्यों को आप अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पर कुल 10 वाक्य हैं, 10वें वाक्य में आपको इस प्रकार से लिखना है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 89 पर इस प्रकार से एक्टिविटी नंबर 1 दिया गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि मेक अ लिस्ट बनाइए आप 10 इंस्ट्रक्शन यूज बाय योर टीचर इन द क्लास। इस प्रकार से आपको 10 वाक्य बनाना है इस प्रकार से, तो आप इन 10 वाक्यों को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी 10 वाक्यों को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 90 पर यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 2 दिया गया है कि राइट 5 सेंटेंस, आपको 5 वाक्य बनाना है अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में, यूजिंग द वर्ड्स गिवन वैल्यू, जो आपको शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का प्रयोग करके आपको 5 वाक्य बनाना है। तो जैसे यहाँ पर हमने पहला वाक्य बनाया माई नेम इज अमित, तो जो भी आपका नाम है आप अपने अनुसार यहाँ पर अपना नाम लिखें, जो भी आपका नाम है। इसके बाद दूसरा वाक्य जैसे हमने बनाया सीता इज माई टीचर, तो जो भी आपकी टीचर हो यहाँ पर उसका आप नाम लिखेंगे। तीसरा है सी टीचर्स अस हिंदी, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ सब्जेक्ट का हम नाम लिखें। चौथा वाक्य है कि वी प्ले इन प्ले ग्राउंड, इस वाक्य को आप बना सकते हैं। इसके बाद दे आर
300 स्टूडेंट इन माय स्कूल, मेरे स्कूल में 300 छात्र हैं। आपके स्कूल में हो सकता है कि 500 छात्र हों, 200 छात्र हों, 600 छात्र हों, तो आप अपने अनुसार इन पांच वाक्यों को आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो इस प्रकार से इन पांच वाक्यों को आपको बना लेना है। इसके बाद जो है एक्टिविटी नंबर 3 दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर, इस फोटो को आप ध्यानपूर्वक देखें। बैलो जो आपको एक पिक्चर एक फोटो दी गई है, राइट 5 सेंटेंस, इस फोटो को देखकर आपको 5 वाक्य बनाना है अबाउट व्हाट यू सी इन द पिक्चर, जो भी आपको इस फोटो में इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है इसके अनुसार आपको 5 वाक्य बनाना है। जैसे कि यहाँ पर हमने 5 वाक्य लिखे हैं, तो इस प्रकार से आप 5 वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 91, पेज नंबर 91, एक्टिविटी नंबर 4 दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को आप ध्यानपूर्वक देखें। वैल्यू जो आपको नीचे दी गई है एंड आंसर दी क्वेश्चन, और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आपको आंसर बताना है। तो इस पिक्चर को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से देखना है। नीचे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है कि व्हाट इज द पिक्चर अबाउट, यह पिक्चर जो है किसके बारे में है, तो क्लासरूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासरूम है, तो आप आंसर में क्लासरूम लिखेंगे। इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द पिक्चर, जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है इसमें कितने छात्र हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 छात्र हैं, 6 छात्र हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द थिंग्स That you see on the table, यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है इसमें कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, इनके यहाँ पर आपको नाम लिखना है, जैसे बुक्स, पेंस एंड अ पॉट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, Who is standing in the class and what is she doing, यहाँ पर जो आपको चित्र दिया गया है चित्र में कौन खड़ा है क्लास में, तो आप लिखेंगे मैडम सी इज टीचिंग, जो मैडम है वह क्या कर रही हैं, यहाँ पर छात्रों को पढ़ा रही हैं इस प्रकार से, तो आप आंसर में इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा कि आ मैप एंड आ बोर्ड, इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 92, पेज नंबर 92, इस प्रकार से एक्टिविटी नंबर 1 दिया गया है, एक आपको छात्र दिए गए विवरण को ध्यान से पढ़ेंगे व उसके महत्व को समझेंगे। एक लोहरी यहाँ पर इस प्रकार से विवरण दिया गया है, तो इसको आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है इस प्रकार से। इसके बाद जो है पेज नंबर 93, पेज नंबर 93, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 इंडियन फेस्टिवल, आपको 10 जो है इंडियन फेस्टिवल, राइट द नेम ऑफ द मंथ आल्सो इन विच दे आर सेलिब्रेटेड, यहाँ पर आपको 10 यहाँ पर इंडियन फेस्टिवल जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनके नाम लिखना है, और किस महीने में मनाए जाते हैं इनके यहाँ पर आपको नाम लिखना है। तो जैसे बसंत पंचमी है जो है जनवरी और फरवरी में मनाई जाती है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप इस तालिका में इस प्रकार से आप भर सकते हैं। दूसरे में आ जाएगा महाशिवरात्रि, फरवरी मार्च में मनाई जाती है। होली जो है मार्च में मनाई जाती है। रामनवमी अप्रैल में। इसके बाद जो है रक्षाबंधन जो है अगस्त माह में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी जो है अगस्त में मनाई जाती है। नवरात्रि अक्टूबर से सितंबर में यहाँ पर मनाई जाती है। और इसके बाद करवा चौथ जो है अक्टूबर में। इसके बाद जो है धनतेरस अक्टूबर में। इस प्रकार से आपको कोई 10 त्यौहारों के नाम लिखना है जो इंडियन हो, अर्थात भारतीय त्यौहारों के नाम, किस महीने में मनाए जाते हैं, इस प्रकार से इनके नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर आसानी से फेस्टिवल के नाम लिख सकते हैं और किस मंथ में मनाए जाते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। के बाद जो है नीचे एक्टिविटी नंबर 3 दिया गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ आपको लिखना है ऑन एनी वन फेस्टिवल, एक त्यौहार के ऊपर दैट यू सेलिब्रेटेड, जो त्यौहार आप मनाते हैं एंड एंजॉय करते हैं, द मोस्ट विथ द हेल्प ऑफ द गिवन क्लोज, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की सहायता से आप जो भी त्यौहार मनाते हैं उस त्यौहार का आपको इस प्रकार से पैराग्राफ बनाना है। तो इस प्रकार से जैसे हमने दीपावली का बनाया है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इस पैराग्राफ को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 94 पर इस प्रकार से एक्टिविटी नंबर 4 दिया गया है कि राइट 10 वेब्स
थ्रू विच वी कैन सिप वाटर। इस प्रकार से आपको 10 वाक्य बनाना है सिप वाटर पर, इस प्रकार से कि आप पानी को कैसे बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन 10 वाक्यों को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 10 वाक्य दिए गए हैं, तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन 10 वाक्यों को आप अच्छे से बना सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी पुस्तक में इन 10 वाक्यों को आपको लिख लेना है। पहला वाक्य होगा, दूसरा वाक्य, इसके बाद तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य हो जाएगा पांचवा वाक्य, इसके बाद छठवा वाक्य होगा, सातवां वाक्य होगा, आठवां वाक्य, इसके बाद नौवां वाक्य होगा और दसवां वाक्य होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन 10 वाक्यों को आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 95, पेज नंबर 95 पर जो है एक्टिविटी नंबर 5 दिया गया है कि ड्रा एक आपको चित्र बनाना है, आप पिक्चर एक फ़ोटो का, आप एनी वन ट्री कोई भी एक पेड़ का आपको चित्र बनाना है और इसी चित्र के ऊपर आपको राइट 10 सेंटेंस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री का आपको एक चित्र बनाना है और इसी के ऊपर आपको 10 वाक्य लिखना है। तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। आप चाहें तो इनमें जो है कलर भी आप भर सकते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर आपको 10 वाक्य लिखना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको यहाँ पर चित्र बनाना है, इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं, और इसके बाद जो है आपको द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर आपको 10 वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य यहाँ से यहाँ तक होगा, इसके बाद दूसरा वाक्य हो जाएगा, तीसरा वाक्य होगा, चौथा वाक्य होगा, इसके बाद पांचवा वाक्य होगा, छठवा वाक्य होगा, सातवां और यहाँ पर आठवां वाक्य होगा, इसके बाद जो है नौवां वाक्य होगा और दसवां वाक्य होगा। तो इस प्रकार से इन 10 वाक्यों को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन 10 वाक्यों को आप अपनी पुस्तक में अच्छे से लिख लें। इसके बाद जो है पेज नंबर 96, पेज नंबर 96 पर एक्टिविटी नंबर 6 दिया गया है कि राइट 5 वेब्स टू यहाँ पर प्रमोट जेंडर इक्वलिटी इन द क्लासरूम या स्कूल। इस प्रकार से आपको कोई भी 5 वेब्स लिखना है इस प्रकार से, तो आप इन तरीकों को आप वेब्स को लिख सकते हैं। इस प्रकार से 5 वेब्स दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से लिख लें। तो आप वीडियो को रोककर इन 5 वेब्स को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 97, पेज नंबर 97 पर इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 98, पेज नंबर 98 पर इस प्रकार से एक्टिविटी नंबर 1 दिया गया है कि माला व आसमा के बीच हुए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन वार्तालाप को पढ़ें तथा नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर उसे लिखें। इस प्रकार से कन्वर्सेशन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस प्रकार से आपको नीचे लिखना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस कन्वर्सेशन, इस वार्तालाप को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पर 99 पर 99 पेज पर एक्टिविटी नंबर 2 दिया गया है, तो इसको आपको पढ़ना है। को क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए या दिए हुए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक जो वार्तालाप है को पढ़ें तथा ग्रुप या पेयर बनाकर प्रैक्टिस करें। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। नीचे क्वेश्चन पूछेगा है, ऊपर दिए हुए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को लिखें। तो इस प्रकार से आपको इस कन्वर्सेशन को लिख लेना है जो ऊपर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस कन्वर्सेशन को आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर आंसर दिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 100 पर 100 पेज पर इस प्रकार से एक्टिविटी नंबर 3 दिया गया है, दिए हुए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को पढ़ें। जो आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिया गया है, वार्तालाप दिया गया है, तो इसको आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है। इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद जो है पेज नंबर 101 पर इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आपको पढ़ना है। इस प्रकार से नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिए गए या दिए गए हुए कन्वर्सेशन के आधार पर बॉक्स में दिए गए वर्ड्स की सहायता से एक पैराग्राफ देखकर बताएंगे कि सोनम को क्या करना है। इस प्रकार से कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इस प्रकार से आप पैराग्राफ बनाएंगे। इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप वीडियो को रोककर इस पैराग्राफ को आप बना सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, जो कि पेज नंबर आपको 102 पर लिखना है। इस प्रकार से यहाँ तक लिखेंगे।
इसके बाद जो है पेज नंबर 103 पर एक्टिविटी नंबर 4 दिया गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है कन्वर्सेशन है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर आपको हेलो लिखना है, यहाँ पर आपको यू लिखना है, इसके बाद यहाँ पर आपको हैप्पी लिखना है, यहाँ पर नेम लिखना है, यहाँ पर नेहा लिखना है, यहाँ पर फेवरेट लिखना है, यहाँ पर ब्लू लिखना है, इसके बाद यहाँ पर गुड बाय लिखना है। तो इस प्रकार से आप इन खाली स्थान को आप आसानी से भर सकते हैं। इस प्रकार से नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो है आंसर दिए गए हैं। इसके बाद पेज नंबर 104 एक्टिविटी नंबर 5 दिया गया है कि सपोज यू वेंट मार्केट टू बाय अ नोटबुक फ्रेम कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड द शॉपकीपर। इस प्रकार से कन्वर्सेशन करना है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, योर नेम। जैसे यहाँ पर हमने रीता लिखा है तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। इस प्रकार से इस कन्वर्सेशन को आपको अच्छे से लिखना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद और भी नीचे दिया गया है तो आपको यहाँ तक लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसी तरह जो है लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 जो आपका खंड सा है संस्कृत विषय का, इनके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।